वेलकम टू माय चैनल ZBS सॉल्यूशन। आज की हम लेक्चर में बात करेंगे कि हीलियम 10 का नेक्स्ट जो पार्ट था वो हम कैसे प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, तो ये मैं आपको बेसिकली इनका बता दूं। हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हीलियम 10 का एक्सरे कैसे रन करवाते हैं। प्रैक्टिकल हम लोगों ने किया था, प्रोडक्ट हंटिंग की थी, उसके टूल्स का मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम बेसिकली हीलियम 10 का जो दूसरा पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉक्स को, सेरेब्रो को और मैग्नेट को। ओके, तो लेट गेट स्टार्ट। तो ये हम आ गए हैं हीलियम 10 पे। मैं एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि आपने अगर किसी से टूल्स बाय करने हैं ना, क्योंकि मैंने भी ये टूल्स बाय किए हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था, ये टूल्स आपको ना कम अज़ कम 3 से 4 हज़ार में सारे सारे टूल्स मिल जाते हैं पाकिस्तान के अंदर ही। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने स्कैम से बचना है, क्योंकि आजकल स्कैम बहुत हो रहे हैं, आपने स्कैम से बचना है। हाँ, अगर आप स्कैम से बचना चाहते हैं, आप मुझे मतलब इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करें कि मुझे टूल्स चाहिए, या आप अकेला टूल्स भी लिखेंगे ना तो मुझे समझ लग जाएगी कि आपको टूल्स चाहिए। तो मैं जिस एजेंट से खुद टूल्स ले रहा हूँ ना चीप प्राइस में, तो मैं आपको भी लेके दे सकता हूँ। तो फिर मैं आपको उसका कॉन्टैक्ट दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, तो फिर आप इजीली उसे बाय कर लीजिएगा। बाकी मैं अगर आपको एक चीज़ और भी आपकी ये जो माइंडसेट है ना, इसको मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो टूल्स है ना ये प्रॉपर नहीं बताते, सिर्फ ये उसके नज़दीक नज़दीक बताते हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि अमेज़ोन में अमेज़ोन की मार्केट को सिर्फ उसके नज़दीक नज़दीक तक उसका रेवेन्यू प्रॉफिट बताते हैं, रियल नहीं बताते। या हमें आइडिया हो जाता है इन टूल्स से ना कि इतनी सेल्स हो रही है, हम इस प्रोडक्ट में जाएँ या नहीं। तो बेसिकली हम लोग चलते हैं ब्लैक बॉक्स पे। आज जो हमारा वर्क है ब्लैक बॉक्स पे है, तो ये मैं आ गया ब्लैक बॉक्स पे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपने जो हमसे रेलिवेंट चीज़ें ना हम वो करेंगे, जो हमसे रेलिवेंट नहीं है हमने फजूल चीज़ों पर नहीं जाना। तो ये मैं गया एडवांस पे, सिंपल पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतने ऑप्शन नहीं है, फिल्टर्स लगाना ना आपने जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। इसमें आपने सबसे पहले अपनी मार्केट सेलेक्ट करनी है। मैं यूके मार्केट पे हूँ तो मैं यूके सेलेक्ट करूँगा। तो ये मैं आ गया, यहाँ पे प्रोडक्ट है जो ब्लैक बॉक्स है ना। अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे ना क्लोथिंग की कैटेगरी में ना कोई प्रोडक्ट ढूंढ दो, अब आप क्लोथिंग की कैटेगरी में उसमें क्या कहते हैं मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, पेंट कोट, ठीक है, शलवार कमीज, ETC, ठीक है, आप सोच कर आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, मतलब कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप वही क्या करेंगे, ब्लैक बॉक्स पे आएंगे, हीलियम 10 पे आके ब्लैक बॉक्स क्लिक करेंगे, ब्लैक बॉक्स पे कैटेगरी करेंगे, कैटेगरीज हैं बेबी प्रोडक्ट है, ब्यूटी है, ठीक है, ETC क्लॉथिंग है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये 3 सेलेक्ट कर ली है। तो मैं यहाँ से नंबर ऑफ सेलर्स पूछ रहा है कि आपका जो कॉम्पिटिट जो आपके सेलर्स हैं कितने हों, कम अज़ कम मैं कहता हूँ 500, और प्राइस पूछ रहा है तो वो मैं कह देता हूँ कि मिनिमम 10 हो, 10 पाउंड हो, और जो मैक्सिमम है ना वो हो जाए 25 पाउंड। ओके, वो कह रहा है रिव्यू काउंट, तो मैं कह देता हूँ कि रिव्यू काउंट ना मैक्सिमम 1000 हो। ये हम जाकर ना रिव्यू काउंट आगे डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है रेटिंग का आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ये मैं अमेजोन पे आ गया हूँ और यहाँ पे डिलीवर टू, एक मिनट मैं इसको करता हूँ। तो यहाँ से मैं मंथली रेवेन्यू करता हूँ 5000, ठीक है। ये फिल्टर्स लगाएं बेस्ट रहेगा आपको। मैं आगे रिक्वायरमेंट लिस्ट भी मैं आपको भेज दूंगा कि यूके की क्या रिक्वायरमेंट होती है मार्केट की। तो BSR जैसे मैंने आपको बताया था, मिनिमम आपका मिनिमम या मैक्सिमम जो भी है, मतलब कि जितना कम होगा ना उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 2000, ठीक है। तो बाकी अगर आप फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इतने ही करता हूँ। मैं इसको स्मॉल ओवर साइज और लार्ज ओवर साइज, ये जो शिपिंग साइज है ना ये हम जाकर सोर्सिंग में डिस्कस करेंगे, जो हमारी अलग से स्किल है। अभी हम बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग को इंट्रोडक्शन ले रहे हैं उसका। तो मैं ये तीनों सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको FBA का पता है, आपको FBM का पता है, आपको Amazon का पता लग गया। अब तो बेसिकली मैं यहाँ पे सर्च के बारे में क्लिक करता हूँ और ये डाटा फेच कर रहा है और ये हमें निकाल देगा, देख रहे हैं, ये इसने लिस्ट निकाल दी है।
14 आइटम्स उसने निकाल दिए जो हमने कैटेगरी सेलेक्ट की थी। तो सबसे पहले ना वो कह रहा है कैटेगरी भी है सर, जो हमने कैटेगरीज लगाई थी ना ये शो हो रही है आपके सामने, ठीक है। तो प्राइस भी जो हमने लगाई थी 24 पाउंड 14 पाउंड, मतलब कि उससे नीचे नहीं है। ओके, ये हमें बता रहे हैं नाइट शर्ट है, नाइट ड्रेसिस है, सूट, ये देखें, नो हाई चेयर जैकेट्स। तो मैं बेसिकली इसको यहाँ करता हूँ, तो ये देखें आप, कह रहा है मंथली सेल्स कितनी है इसमें। ओके, और ये मंथली रेवेन्यू आ गया, जो हमने रेवेन्यू लगाया था फिल्टर में हमें वही पता लग रहा है। रेटिंग जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट किया कि 4 से ऊपर हो, तो 4 से ऊपर ही आ रही है। रेटिंग भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे जब लिस्टिंग करेंगे ना, प्रोडक्ट लिस्टिंग सॉरी डिस्टिंग्रेशन में जाकर भी मैं आपको रेटिंग का भी बताऊंगा। ये सेलर्स है, ये देखें बता रहा है कि दो, एक लिस्टिंग पर दो सेलर सेल कर रहे हैं आउटर लुक पे 4-1। तो ये हम ना आगे जाकर डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। शिपिंग डिटेल्स, स्मॉल ओवर साइज, ओके, वेट बता रहे हैं, डिमेंशन भी आएंगे आगे। ये देखें सेल पीरियड भी बता रहा है कि कितने मतलब कि महीने या कौन से मंथ में ये सेल, मतलब कि इसकी जो प्रोडक्ट की सेल है वो ज़्यादा हाई गई है। और ये देखें नंबर ऑफ इमेजेस भी बता रहा है, वेरिएशंस बता रहा है, जिस तरह मैंने आपको वेरिएशंस का भी बताया हुआ है कि जिस तरह जीन्स होती है उसी तरह ही मतलब उसके कलर जितने होंगे वो वेरिएशंस कहलाएंगे। सेल्स रिव्यू बता रहा है। तो ये थी हमारी ब्लैक बॉक्स की आज का प्रैक्टिकल। ओके, तो मैं अब चलता हूँ बेसिकली हमारा जो दूसरा है वह है सैरी प्रो। तो ये मैं आ गया सैरी प्रो पे, और इस पे सैरी प्रो पे ना ये मांग रहा है कि मुझे ना आप एसिन प्रोवाइड करें, नीडा एसिन। ये देखें, चलिए जी, मैं इधर इसको लोकेशन लगाता हूँ क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान शो करवा रहा है। तो मेरे ना थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम आ गई थी दरमियान में, कई बार बारिश हो रही है तो इस वजह से फिर इशू कर गया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ LS125QJ। तो ये देखें, ओके, तो मैं यहाँ पे पीलो लिखता हूँ और मैं किसी भी पे चला जाता हूँ पीलो पे, मैं ये जाता हूँ साइलेंट नाइट वाले पे। ओके, मैं ये आ गया हूँ, तो मैं इसकी लिस्टिंग खोलता हूँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं सैरी प्रो की, तो हमें इसके लिए ऐसे लाजमी चाहिए यूके का ही हो, क्योंकि हम बिजनेस के लिए डिस्कस को कर रहे हैं, पिलो को डिस्कस कर रहे हैं। हम कोई भी ले सकते थे लेकिन मुझे जो बेस्ट लगा हमने वो लिया। हम ऐसे नंबर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे नंबर है, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। हम नीचे आएंगे, ठीक है, ये प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये देखें इन्फॉर्मेशन में वाइट है, साइलेंट नाइट, ये देखें ऐसे लिखा हुआ है, हम इसको कॉपी करेंगे। अब आप ये भी देखेंगे, मैंने आपको बताया था ना रेटिंग का, मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा ये रेटिंग होती है कितने बंदों ने इसको रिव्यू किया है, मतलब कि फीडबैक दिया हुआ है 70% लोगों ने। ओके, तो मैं यहाँ से इसको मैं कैंसिल करता हूँ, आया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया कैट कीवर्ड्स। ये हमें ना जो सैरी प्रो ना हमें ये बताता है कि एक मिनट ओपन होने दो, फिर मैं आपको बता देता हूँ। डाटा फैच कर, और हम यहाँ पे भी फिल्टर लगा सकते हैं बेसिकली। ये हमें कीवर्ड्स बताता है, ये देखें बता रहा है, इंटर अप टू 10 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई टू फाइंड देयर टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स बताएगा हमें। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली यूके ही सिलेक्ट किया हुआ ना, ये देखें यूके के ही बताएगा कीवर्ड्स के कितने लोग आकर इसको ढूंढ रहे हैं। ये देखें पिलो फोर पैक, मतलब कि इसके जो कीवर्ड्स हैं, हम ये कीवर्ड्स जाकर उसमें भी डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट, मतलब कि हंटिंग जब हम मेनली खुद करेंगे ना तो फिर सारा बताऊंगा। ये तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको इसका। ये देखें पिलो स्टैंडर्ड पिलो, पिलो फोर पैड पिलो, डोरमा पिलो पिलो, मतलब कि ये लोगों ने ना सर्च किए हुए हैं, कीवर्ड फ्रेसिस हैं। और अब ये देखें सैरी प्रो आई क्यू स्कोर
सर्च वॉल्यूम 17,000 लोगों ने सर्च किया है, 30,000 लोग आकर सर्च करते हैं, 2 पैक्स पिल्लो 272 लोग सर्च कर रहे हैं अमेजोन पे आके डेली के। सर्च वॉल्यूम ये देखें, ये बता रहा है स्पॉन्सर ऐसी नहीं, ये होती हैं स्पॉन्सर ऐसी नहीं होती हैं जैसे पीपीसी, मैंने आपको पीपीसी का बताया कि स्पॉन्सर्ड ऐड होते हैं तो एड्स चलाते हैं। कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट्स ये हैं, इतनी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं। सी पी आर का हम डिस्कस नहीं करते, चलिए मैं आपको बेसिकली बता भी देता हूँ। सी पी आर वो होता है कि हम लोग पहले हफ्ते फ्री में प्रोडक्ट देते हैं क्लाइंट्स को, मतलब जो हमारे बायर्स होते हैं, तो फिर हमारी वो जो लिस्टिंग है ना वो रैंक हो जाती है। तो हम अब पीपीसी आ गया तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। स्पॉन्सर रैंक ये देखें 6, 24, 12, 6 अमेजोन रैंक नहीं, एक नहीं है ऑर्गेनिक रैंक, ये 2, 2, 2 ऑर्गेनिक इतनी हुई है। तो ये था सेरिब्रो कि हम कीवर्ड्स किस तरह मतलब के तलाश करते हैं कि लोग कितना आकर क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, तो हमें ये बेसिकली सेरिब्रो बताता है। तो हम चलते हैं अब मैग्नेट पे, ये मैं बेसिकली आ गया मैग्नेट पे। तो यहाँ पे वो कह रहा है इंटर अ कीवर्ड्स, तो हम सबसे पहले यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट करेंगे अपनी। तो ये देखें उसको भी पता लग गया मैग्नेट को, ये हमें कीवर्ड्स निकाल के देगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिल्लो आपके सामने, देख रहे हैं, हालांकि मैंने ये सर्चिंग नहीं की है तो ये पिल्लो का लिखा है। लिखता हूँ कैट कर्ड, ये कह रहा है कि लोड फॉर्म हिस्ट्री, मैं कहता हूँ न्यू सर्च निकाल के दें हमें, ये फेचिंग डाटा कर रहा है और ये हमें निकाल के देगा, एनालाइज कर रहा है, देख रहे हैं 9,899 टोटल कीवर्ड्स हैं। ये देखें आपको पूरी सर्च उसने निकाल के दे दी है, सर्च वॉल्यूम 26,150, मैग्नेट आई क्यू स्कोर सी पी आर 66, देख रहे हैं बैक स्पोर्ट पिलो, नेक पिलो, पिलो डक फिदर, पिलो फॉर बैक पेन, ये हमें बता दिया इसने। सेरिब्रो और मैग्नेट इतने मिलते जुलते नहीं है, लेकिन है मिलते जुलते हैं लेकिन डिफरेंट है बहुत। ये हमें बता रहा है आई क्यू स्कोर बता रहा है, सर्च वॉल्यूम बता रहा है, उसी की तरह स्पॉन्सर एसिन बता रहा है जिस तरह हमने सेरिब्रो में डिस्कस किया था। हमने याद करेंगे हमने सिर्फ उस प्रोडक्ट में जाके सेरिब्रो का सिर्फ ये डिफरेंस है, हमने प्रोडक्ट में जा प्रोडक्ट की लिस्टिंग के जो एसिन है ना साइलेंट डीप का जैसे मैंने उठाया उठाकर मैंने उधर लगाया तो उसने उस प्रोडक्ट के जो कीवर्ड्स हैं ना वो बताए, ठीक है, जो लिस्टिंग में यूज़ हुए हैं। तो हम ये देखें अब ये हमने तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ मैंने पिलो लिखा, मैंने साइलेंट नाइट तो नहीं लिखा, यह मैंने वो तो नहीं डाला ऐसी नंबर, इन्हें डेंसिटी बता रहा है सी पी आर, यहाँ पे सी पी आर को हम डिस्कस नहीं करते, कॉम्पिटेंट प्रोडक्ट 2,833 ऐसी जो मैंने आपको बताया। तो ये आज का हमारा ना थोड़ा इंट्रोडक्शन था, तो आई होप आप लोगों को समझ लग गई होगी। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मैं आगे जाकर आपको बहुत कुछ अमेजोन के अबाउट बताऊंगा भी और प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, बकायदा हर चीज़ का प्रैक्टिकल होगा A to Z मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।